हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गैस लॉस के इस सीरीज में चार्ल्स लॉ के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं, लेट्स बिगन। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। जिसका मीनिंग ये है कि एक गैस है जिसका प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट, तो उसका जो उसका वॉल्यूम होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है कि कॉन्स्टेंट प्रेशर होना चाहिए। तो इसे कुछ इस टाइप से लिखा जा सकता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट प्रेशर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। देन अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कॉन्स्टेंट आएगा, वो मान लेते हैं K है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KT। अगर अब इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे आ सकते हैं आपके लिए, कि जैसे सपोज कीजिए आपको दो कंटेनर दे दिए, ओके, तो उसके लिए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो सपोज कीजिए उसका वॉल्यूम V1 है और K कांस्टेंट रहेगा ही, और उसका टेम्परेचर T1 है। एंड अनोदर जो आपके पास दिया हुआ है उसका वॉल्यूम V2, K कांस्टेंट रहेगा ही एंड T2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, V1 बाय V2 इक्वल्स टू KT1 अपॉन KT2। ओके, तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 सिंपली। तो इस टाइप से इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है।